या अली मदद। अलवाइज अबू अली वाइज नंबर 134। कुरान शरीफ के अंदर खुदा ताला ने जो फरमाया है कि हमने नीचे भेजा है जाहिर नूर और जाहिर किताब। मौला ने हज़रत इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का यह कलाम कि जमीन में हमने उतारा है नूर और किताब, रसूल अकरम की इस हदीस से मिलता है कि जो हुजूर ने दो तीन दफा अपनी बीमारी की हालत में अपनी मौत के पहले मुसलमानों को फरमाया कि मैं दो चीजें अपने बाद छोड़े जाता हूं, एक मेरी अहले बैत है और एक है खुदा का कलाम किताब। अगर तुम इन दोनों चीजों को अपने साथ रखोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कभी भी जुदा ना होंगी और हौज कौसर तक मेरे पास आएंगी। यही रसूल अकरम की जो अहले बैत है और खुदा ताला की जो किताब है, इसी को खुदा ताला ने हबलुल मतीन कहा, खुदा की रस्सी। रस्सी के अंदर दो रस्सियां एक दूसरे से बची होती हैं। नबी फरमाया कि ये दोनों चीजें अगर तुम रखोगे, इनके साथ रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। मगर हुआ ये कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद मेजॉरिटी मुसलमानों ने रसूलुल्लाह की जो अहले बैत थी इतरत को छोड़ दिया और हजरत उमर के कहने से कि हसबना किताबुल्लाह, हमको खुदा की किताब बस चाहिए, कह के किताब पकड़ के बैठ गए और जो रसूलुल्लाह की इतरत थी उसको भूल गए। शियों ने रसूलुल्लाह के असहाबों में से बहुत थोड़े आदमियों ने रसूल की इस बात को समझा और माना और ये लोग अली के शिया कहलाए। हुआ यह कि नबी की वफात के बाद लोग दुनियादारी में पड़ गए, लालच में पड़ गए, हकीकत भूल गए। उस जमाने के अंदर हमारा नाम इस्माइली नहीं था। हमारा ये नाम इस्माइली इमाम जाफर सादिक की वफात के बाद हुआ कि जब हमने मौलाना इस्माइल को कबूल किया और शियों में से थोड़े आदमियों ने हजरत मुस्त अली को मूसा काजिम को कबूल किया। मुस्त अली तो बहरों के इमाम थे, हजरत मूसा काजिम को उन्होंने कबूल करके उन्होंने अपना अलग रास्ता लिया और इस तरह इस्माइली और इसनाशरी जुदा हो गए। मैंने यह टॉपिक आज जानबूझ के इसलिए निकाला है कि इस वक्त बहुत सी जगहों के ऊपर हमारे इस्माइलियों के खिलाफ कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि हम इस्माइली मुसलमान नहीं हैं। मैं आपको इस बात के लिए तैयार करना चाहता हूं कि हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे मुसलमान हैं। हमने कभी दो खुदा नहीं माने, हमने कभी भी शिर्क नहीं किया। हम ये कहते आए मानते आए कि खुदा वादहू ला शरीक अला है, खुदा का कोई बदन नहीं, खुदा किसी का बेटा नहीं ना किसी का बाप है। खुदा की बात के लिए मैंने आपको अपनी दोपहर की आवाज में भी कहा कि वो तो महज नूर है और जमीन आसमानों का नूर ये खुदा ने कहा है। हम इस्माइली खुदा के नूर को मानते हैं, हम उसी नूर की इबादत करते हैं, हम उसी नूर के पीछे चलते हैं कि जिसके मुतालिक अल्लाह ने इस आयत में फरमाया कि कद जाकुमुन अल्लाह नूरं व किताबुन मुबीन, खुदा की तरफ से तुम्हारे पास नूर और किताब आया है। दो चीजें हैं,
अरबी जबान का जो वाव होता उर्दू में भी, वाव का मतलब और। अगर हम कहें रोटी ला चावल तो उसके मतलब होता है कि ये दो चीजें हैं, नूरं व किताबुन मुबीन, खुदा की तरफ से आया है नूर और किताब। ये दोनों चीजों को पकड़ना, दोनों चीजों को रखना, दोनों के पीछे चलना, ये खुदा की हिदायत है। हदीस शरीफ में ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो खुदा ताला के कलाम के साथ मिलती हैं, जैसा कि ये भी मिलता है। नबी फरमाया कि मैं अपनी इसरत और किताबुल्लाह छोड़े जाता हूँ, पर अल्लाह भी कहता है कि मेरा नूर और किताब रहेगी। और खुदा ने यह भी कहा है, जिस तरह रसूल फरमाया कि मेरी इसरत और किताबुल्लाह ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन है, यानी रस्सी की तरह बटी हुई है, और हौज कौसर के पास मेरे पास आएंगी। तो खुदा ताला का यह फरमान के जो हबलिल्लाह है, जो आतसेमू भी हबलिल्लाह है जमीयन वाला तफरकू, जो है वो भी रस्सी यही है कि जो रसूलुल्लाह फरमाते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी हदीसें हैं कि जो कुरान के साथ तताबुक नहीं करती, उन हदीसों के पीछे हम नहीं जाते और हम अपने इमामों से हदीसें लेते हैं। हमारे यहाँ कोई फिका की किताब नहीं है। हम जब भी अपने भाइयों से मिलते हैं तो कभी कभी पूछना जाता है हमारी फिका की किताब क्या। फिका कहते हैं लॉ, शरा। हमारे पास फिका की किताब कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास हाजिर इमाम बैठा है। फिका की किताब उसको जरूरत है कि जिसके पास कोई बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। इमाम हर जमाने में हमारे अंदर बैठा है, इसलिए दीनदारों हमें उस चीज की जरूरत नहीं है कि अगर कोई झगड़ा आ गया या कोई ऐसा मसाला आ गया तो हम किताबें ढूंढते हैं कि भाई इसका क्या जवाब है। हमको इसकी जरूरत नहीं है। मैं किसी दिन वाज में जिक्र करता था कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मैट्रिक की एग्जामिनेशन देने के बाद हम कुछ बच्चे घूमने निकले और यही आपके शहर नागपुर के अंदर हम आए। लेकिन शाम की ट्रेन में जब हम इधर आए, दिल्ली से आए थे, तो हमको स्टेशन से बाहर जाने की फुर्सत न मिली। मैं ये बात करता हूँ 1934 की, यानी आज से 56 बरस पहले की। इधर कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू लगने का मतलब ये था कि थोड़े दिन के बाद, यानी दूसरे के तीसरे दिन इधर ईद थी, और ईद उस जमाने के अंदर मस्जिदों के अंदर होती थी या बाहर होती थी। तो लोग 10-10 लाइनों के पीछे एक आदमी रखते थे, क्राइयर जिनको कहते हैं, क्योंकि लाउडस्पीकर का जमाना उस वक्त आया नहीं था। मगर एक जमात ने इसी कानपुर के अंदर एक दफा लाउडस्पीकर का बंदोबस्त किया ईदगाह के अंदर, और एक दूसरे मौलवी साहब ने इसके लिए फतवा दिया कि लाउडस्पीकर के अंदर कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना यह बराबर नहीं, क्योंकि इसमें शैतान है। अब क्या हुआ कि मुसलमानों की इन दो पार्टियों के अंदर तकरार हुई, मारामारी हुई, कुछ जख्मी हो गए, एक मर भी गया, और पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया। तो हम सारी रात स्टेशन पर बैठे रहे। मैंने ये बात इसलिए कही कि एक मुल्ला ने कहा कि इसमें कुरान पढ़ना जायज है, दूसरे ने कहा नहीं। अब इसका फैसला कौन करे, कौन ठीक है? इमाम न होने की वजह से उनमें यह फिसाद हुआ। हमारे पास इमाम है, हमारे अंदर कभी भी फिसाद हो नहीं सकता, क्योंकि इमाम का हुक्म हक है। इसी वजह से हमारे पास कोई फिका की किताब नहीं है। मगर हम जो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे मुसलमान हैं। इस्लाम के हिसाब से जो अल्लाह को कबूल करे और मोहम्मद को कबूल करे कि वो खुदा का आखिरी नबी है, वो शख्स मुसलमान है। अब वो इबादत करे न करे ये खुदा जाने और वो जाने, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। हमारा जो इस्माइली तरीका है वो इस्लाम पे चलने का वो तरीका है कि जो शरीयत से बालातर है, इसलिए कि 1400 बरस की शरीयत के बहुत से कवानीन आज की दुनिया में फिट नहीं होते। इसीलिए जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह के अंदर नए आदमी, यानी कि वहां के जो क्रिश्चियन हैं, वो मुसलमान होने से हिचकिचाते हैं,
اسلام کی یہ سخت شریعتی چیزیں کہ جو 1400 برس کے پہلے زمانے کے اندر برابر تھی آج کی دنیا کے اندر وہ فٹ نہیں ہوتی. میں آپ کو مثال دوں, آج ہماری عورتیں بہت پڑھی لکھی ہیں, ہمارے اندر گریجویٹ ہیں, ماسٹر ہیں, پی ایچ ڈی بھی ہیں, ججز بھی ہیں, دنیا کے بڑے بڑے بیرسٹروں کی جگہ بھی عورتیں کام کر رہی ہیں. خود پاکستان کے اندر ایک عورت پرائم منسٹر بن گئی, آپ کے ہندوستان کے اندر ایک عورت پرائم منسٹر بنی, اسی طرح سے لنکا کے اندر ایک عورت پرائم منسٹر بنی, اسرائیل کے اندر ایک عورت پرائم منسٹر بنی, اور حال ہی میں لگ بھگ 11 برس 12 برس تک پرائم منسٹر رہ کے تو مسز تھیچر نکل گئی. تو آج کی دنیا کے اندر اور 1400 برس پہلے کی دنیا کی عورتوں میں بہت فرق ہے. اگرچہ قرآن شریف نے یہ کہا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, اب آج کی دنیا کے اندر بھی کیا یہی ہے؟ اگر خدا تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ کسی آدمی کو جس نے چوری کی ہے دوسری دفعہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, تو کیا آج بھی وہ چیز برابر ہے؟ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ نہیں قرآن کا لکھا برابر ہے, تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج تو قرآن 1400 برس پرانا ہوا, حالانکہ قرآن کی تعلیم قیامت تک کے لیے برابر ہے, اور ہم مانتے ہیں کہ قرآن حکیم خدا کا کلام ہے اور سچا کلام ہے, قیامت تک قرآن ہم کو ہدایت دیتا رہے گا, لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کون کرے؟ 1400 سال میں سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء پیدا ہوئے کہ جن کی مادری زبان عربی تھی, مادری زبان جن کی عربی تھی, ایسے بڑے بڑے علماء مجتہد اور علامہ ایروڈائٹ پیدا ہوئے, انہوں نے بھی قرآن شریف کے بہت سے مطالب کیے, ایک دوسرے سے ملتے نہیں بہت سی جگہوں میں. تو قرآن کے سچے معنی کون کرے؟ 1400 برس پہلے کی یہ بات آج ہم شاید اس میں کہہ سکیں, لیکن دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے قرآن کے ایک حکم کو بدلا دیا. اپنی مرضی سے اگر ایک خلیفہ قرآن کے حکم کو بدلا سکتا ہے تو امام کا حق زیادہ ہے کہ قرآن شریف کی تفسیر کو چینج کرے, حکم کو نہیں. وہاں آج جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں, فلسطین, یہ اس زمانے کے اندر عراق کا حصہ تھا. حضرت عمر کی دوسری خلافت جو تھی اس خلافت کے زمانے کے اندر عراق کے اس حصے پہ کہ جس کو آج فلسطین کہتے ہیں اور اس کا شہر ہے یروشلم, یہاں حملہ کیا مسلمانوں نے اور مسلمان جیت گئے. یروشلم نے دروازے کھول دیے اور ادھر کے جو کرسچن تھے انہوں نے قبضہ دے دیا, سرنڈر ہو گئے. اب قرآن کا حکم یہ ہے, قرآن شریف میں سارے قرآن میں ایک ہی آیت ہے جزیے کی, قرآن کا حکم یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہار گئے یا تو جزیہ دیں یا مسلمان ہو جائیں, یہ قرآن کا حکم ہے. مگر بڑے بہادر اور علم والے لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے, ہم جزیہ بھی نہیں دیں گے. دوسرا راستہ ایک ہی تھا کہ وہ یروشلم چھوڑ کے, فلسطین چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اچھا ہم قیصر کے یعنی رومن امپائر میں چلے جائیں گے. حضرت عمر کے جو اصحاب تھے ان کے یعنی منسٹرز وغیرہ, انہوں نے کہا کہ یا حضرت یہ لوگ بہت قابل ہیں, بہادر بھی ہیں, علم والے بھی ہیں, عقل والے بھی ہیں, یہ اگر اپنی سلطنت میں رہنے تو اچھا ہوگا, اس لیے آپ ان کو رہنے دو, کوئی رستہ نکالو. تو حضرت عمر نے کہا اچھا ایسا کرو آدھا جزیہ دینا آدھا معاف, اور انہوں نے قبول کر لیا. اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ حضرت عمر کو کیا حق تھا کہ قرآن کے ایک حکم کو اپنی مرضی سے چینج کرے؟ اور اس زمانے میں حالانکہ قرآن شریف کو آئے ہوئے 50 برس بھی نہیں ہوئے تھے, حضرت عمر نے قرآن کو چینج کیا اپنی مرضی سے, تو ہمارے امام کو اس سے زیادہ حق ہے کہ وہ قرآن کو چینج کیے بغیر اس کی تفسیر ہم کو اس طرح سے بیان کرے کہ زمانے کے حساب سے ہم ٹھیک ہو سکے. آج کی ہماری عورتیں بڑی قابل ہیں, اور وہ چیز کے 2 عورتوں کے سامنے ایک مرد کی گواہی آج تو خود اسلامی ملکوں کے اندر بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کہی
कि हमारे सामने जब ये बात आती है ना कि तुम इस्माइली मुसलमान नहीं हो, तुम कुरान को नहीं मानते, कुरान पे नहीं चलते, तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम रोजे नहीं रखते, बस ये मेन चीज ये है और या ये है कि तुम इंसान को खुदा कहते हो, तो दीनदारों में हंस पड़ता हूँ। हमारे अंदर जवान भी बैठे हुए, समझदार भी बैठे हुए हैं, और हमारे अंदर ऐसे लोग भी हैं कि जो जाहिर में इस्माइली हैं लेकिन बातिन में इस्माइली नहीं। कुछ यहाँ हैं ऐसे, और वो भी आए हैं ये देखने के लिए, मैं उनकी शक्लों से जान सकता हूँ। हमारी जमात के अंदर हर जगह एक ऐसा ग्रुप पैदा हो गया है कि जो ये कहना चाहता है कि हमको अभी इस्लाम की तरफ चले जाना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि इस्लाम के अंदर तो हम हैं, हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, और मुसलमान हमारे भाई हर रोज 17 रकात पढ़ते हैं, हम 18 रकात पढ़ते हैं। शिया मजहब के अंदर ये जायज है कि हम दो नमाजें मिला के पढ़ें। खुद रसूल अकरम ने दो नमाजें मिला के पढ़ी, रसूल अकरम ने बैठे बैठे नमाज पढ़ी, रसूल अकरम ने लेते लेते नमाज पढ़ी, रसूल अकरम ने ऊंट की पीठ के ऊपर नमाज पढ़ी, रसूल अकरम ने घोड़े पे बैठे बैठे नमाज पढ़ी, बहुत से तरीके से रसूल अकरम ने नमाज पढ़ी। अगर नमाज इसका नाम है कि खड़े होके घुटनों को हाथ लगाओ जिसको रुकू कहते हैं और फिर सजदे में चले जाओ, अगर इन इशारों का नाम नमाज है, तो एक हिंदू अगर मन के अंदर गायत्री पढ़े और खड़ा होकर तकबीर के लिए कानों पे हाथ ले जाए और फिर वो घुटनों पे हाथ लगा के सजदे करे, तो हम कहेंगे हाँ इस हिंदू ने नमाज पढ़ी। क्या ये नमाज है? नमाज तो ये है हम जिसको इबादत खुदा कहते हैं। अरबी जबान में नमाज का लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज पारसी लोगों का है, इनकी मजहबी किताबों में इबादत को नमाज कहते हैं। और बात क्या थी कि जब ईरान मुसलमान हुआ तो उन्होंने अरबी जबान से अपनी नफरत जाहिर करने के लिए इसको नमाज कहा और सलात नहीं कहा। अगर आप अरबी जबान की डिक्शनरी देखो तो सलात का मतलब है दुआ मांगना, सलात का मतलब है दुआ मांगना। 100 करोड़ मुसलमानों के अंदर 15-16 करोड़ मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के, थोड़े से और ईरान के, यूं समझ लो कि 20 या 25 करोड़ मुसलमान हैं कि जो सलात की जगह नमाज कहते हैं, बाकी तो 75 करोड़ मुसलमान नमाज का लफ्ज नहीं जानते, वो तो सलात जानते हैं। सलात का मतलब है दुआ मांगना। हम इस्माइली लोग, हमारी जो नमाज है जिसको हम दुआ कहते हैं, हम तीन वक्त सुबह मगरिब को और अशा को, हम 3 वक्त 5 नमाजें पढ़ते हैं। हालांकि 5 नमाजों का जवाब सिर्फ हदीस शरीफ में है, कुरान पाक के अंदर तो खुलम खुला लफ्ज है कि तुम सुबह मगरिब को और एक और रात चली जावे तो तुम खुदा की इबादत करो, यानी कि नमाज पढ़ो। हमारी नमाज में 6 रकातें हैं, हम 18 रकातें पढ़ते हैं और हमारे मुसलमान भाई 17 रकातें पढ़ते हैं। मगर मैं एक और चीज कहनी चाहता हूँ, हम दसवंदी हैं, उस्र देते हैं, ज़कात देते हैं, लोगों से ज्यादा हम लोग दसवंद देने वाले हैं। हमारी सुबह शाम की इबादत हैं, और बड़े में बड़ी चीज यह है कि हम अपने इमाम के बैत के अंदर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई इमाम नहीं, हमारा इमाम है, हमको इमाम जिस तरह हुक्म करता है कुरान शरीफ की तफसीर के हिसाब से, हम इस्माइली तरीके से दीन इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ नाजिल किया, उसके 3 हिस्से किए, एक हिस्सा में किस्से, कहानियां, हिकायतें, स्टोरीज हैं, दूसरे हिस्से के अंदर लॉ है, शरीयत है, ये करो ये ना करो, और तीसरे हिस्से के अंदर इबादत के तरीके और असली रूहानी चीजें हैं। हम इस्माइलियों ने कुरान शरीफ को अपना ही समझा है, और सच पूछो तो कुरान के ऊपर इस्माइलियों का हक ज्यादा है। कुरान किस पे नाजिल हुआ? मोहम्मद पे। किसके घर में? अली नबी के घर में। दूसरों के घर में कुरान नहीं उतरा, अली नबी के घर में कुरान आया।
और इसके लिए हमारा हक कुरान के ऊपर और कुरान का हक हमारे ऊपर दूसरों से ज्यादा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद हजरत अली, हजरत अली के बाद इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बाद सिलसिला बाय सिलसिला चले आते हुए हमारा हजरत इमाम जो है वो खुदा का नूर है जो अली में था, जो मोहम्मद में था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाया कि अना व अलीयुन मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर में से हैं। फिर यूं फरमाया कि हुसैन के लिए कहते हैं अना मिनल हुसैन, हुसैन मिनी, मैं हुसैन में से हूँ और हुसैन मेरे में से है। अब ये तो हमने समझा कि हुसैन रसूलुल्लाह में से है, उसकी बेटी का लड़का, लेकिन नबी का ये कहना कि अना मिनल हुसैन यानी मैं हुसैन में से हूँ, इसका मतलब क्या? बेटा बाप से होता है या दूसरा है तो बेटी के थ्रू से हुआ, लेकिन नबी का ये कहना कि मैं हुसैन में से हूँ, हुसैन मेरे में से है, आपने समझा इस चीज को? कि नबी का ये कहना कि हुसैन में से मैं हूँ, हकीकत में ये नूर है। रसूलुल्लाह फरमाया कि जब खुदा ने कोई चीज पैदा नहीं की, मेरे नूर को अपने नूर में से जुदा किया, मेरे नूर को अपने नूर से जुदा किया, अना मिन नूरुल्लाह व कुल्लुहुम मिन नूरी, मैं खुदा के नूर में से हूँ और हर शय मेरे नूर में से पैदा की, कि चांद सूरज सितारे आसमान जमीन चरण परन ये सब खुदा ने मोहम्मद के नूर में से पैदा किया। अब एक और हदीस है, नबी फरमाते हैं कि हर नबी के साथ मेरा ही नूर था। हमारे अगर दूसरे भाई भूल गए हैं तो खैर उनका काम, हम अपने इस्माइली तरीके के ऊपर मुस्तकीम हैं और इंशाल्लाह हम मुस्तकीम रहेंगे। इस्लाम की ऐसी कोई चीज नहीं कि जो हम नहीं करते, बल्कि नबी करीम के जमाने का जो इस्लाम था, जो रसूलुल्लाह लेके आए, वो इस्लाम हमारे पास है। नबी करीम नियाज गिराते थे, नबी करीम शुक्रित देते थे, उस जमानों के अंदर ये नाम नहीं थे, जैसे कि हमारा नाम आज इस्माइली है, लेकिन मौलाना इस्माइल के पहले हमारा नाम शियाने अली था, और रसूल अकरम के पहले भी इस्माइली मजहब तो था ही, दीन इस्लाम हर नबी का दीन था। तो रसूल खुदा गुठलियां निकाल के खजूर को अपने हाथ से मसल के शिरीनी के तौर पे झुरा देते थे, जिसको आज हम सुकरीत कहते हैं। रसूलुल्लाह नांदी करते थे, मेहमानी खाते थे, छांटा देते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम बातें जो हम किसी न किसी तरीके से इस्माइली मजहब के अंदर कर रहे हैं, नबी करीम सताड़ा भी स्टैब्लिश किया करते थे, खुद के लिए, सारी उम्मत के लिए। उस जमाने में 10 दिन का सताड़ा करते थे, हमको पीरों ने 7 दिन कह दिए। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं कि जो हमने हिंदुओं से ली है, बिल्कुल नहीं, हमारी तमाम चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चली आती हैं। यमन की साइड से एक कबीले के कुछ सरदार के थोड़े से आदमी नबी करीम को मदीना मिलने के लिए आए। जैसे ही नबी इनको नजर आए मदीने के रास्ते में, तो इन्होंने अपने ऊंटों से छलांगे मार के नीचे जमीन पे आए और रसूलुल्लाह के पांव में अपना सिर रख दिया, हम जिसको आमतौर पे सजदा कहते हैं। नबी करीम ने मना ना किया। ये वो हदीस है कि जो आपको बुखारी में भी मिलेगी और मुस्लिम के अंदर भी मिलेगी। नबी करीम के पांव पे इन्होंने सिर रख दिए, हालांकि मुसलमान हो चुके थे। नबी करीम ने इनको मना ना किया। सजदा और चीज है और किसी के पांव पड़ना और चीज है। हम हजर ईमान के कभी पांव पड़ते हैं तो वो और चीज है, वो मोहब्बत जाहिर करती है। और ये जो लोग आए थे यमन से, इन्होंने भी अपनी मोहब्बत रसूल अकरम के हुजूर में जाहिर की। रसूलुल्लाह ले गए मस्जिद के अंदर, इनसे बैठे बातें चीतें की। थोड़े दिनों के बाद जब ये जाने लगे तो इन्होंने अरज की इनके सरदार ने कि या नबी, हमारा जो गांव है सारा गांव मुसलमान हो चुका है, हम लोग क्रिश्चियन थे, वहाँ एक गिरजा है, चर्च है, मस्जिद कोई नहीं, अगर आप हमको इजाजत दो तो हम इस गिरजे को मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हुजूर ने फरमाया हाँ, ठहरो मैं तुम्हें पानी देता हूँ। हुजूर ने प्याला मंगाया, आपने पढ़ के कुछ दम किया, फूंक मारी तो ये नियाज बन गया।
ये नियाज है, इनको दिया कहा ये पानी ले जाओ और जब तुम पहुंचो गिरजे को साफ करो, उसके अंदर जो क्रॉस और दूसरे निशान है बाहर निकाल दो और चार कोनों में इस पानी का छाता देना, अब बस तुम इसको मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करो। उन्हें एक ने कहा या नबी ये पानी रास्ते में सूख जाए तो हुजूर फरमाया नवा पानी डालते रहना, जिस तरह हम भी नियाज में करते हैं, यदि नियाज ढक जाता है नवा पानी डालते रहते हैं। मुझे एक बात इधर याद आ गई, मालूम नहीं इधर किस तरह होता है, लेकिन जो नियाज निकालने वाला है उसको नियाज की सारी बोतल कुंभ में छलानी नहीं चाहिए, खाली नहीं करनी चाहिए, आधी डाले आधी रहने दे रहे और फिर बाकी की आधी भर के रख दे रहे, कभी भी नियाज की बोतल को खाली नहीं करना चाहिए। तो नबी करीम ने फरमाया पानी डालते रहो, वहां जाके इसको चार कोने में छाते देना। रसूल अकरम का एक सहाबी था जो 10 बरस नबी करीम के पास रहा और उसने 10 बरस की खिदमत की, हमारे यहाँ है ना 5 बार साल हज़रत इमाम की 5 बरस खिदमत करें या 12 साल करें या 7 बरस करें, तो ये भी कोई नई चीज नहीं, नबी के जमाने से चली आती है। हजरत अनस बिन मालिक थे, उन्होंने 10 बरस रसूलुल्लाह की खिदमत की और इसी मकसद से अपने गाँव से नबी के पास आए कि या नबी मैं 10 बरस आपकी खिदमत करूँ। एक दफा वो बीमार पड़े, सख्त ताप आया, नबी उसको देखने के लिए गए, हाथ लगाया तो तनूर की तरह तप रहे थे। हुजूर ने पानी मंगाया, पानी के अंदर उंगली डाली, कुछ पढ़ के फूंक मारी और इसमें से अनस को छांटा दिया। हमारे यहाँ ये जो चीजें हैं उसकी अकलन उसकी जड़ रसूलुल्लाह के जमाने से चली आती है। हमारा तरीका जो है सूफियाना तरीका है, हम शरीयत के ऊपर है, हमारी तरीकत है, हमारा एक मुर्शिद है, हमारे ऊपर एक इमाम है और हम उसके कहने के ऊपर चलते हैं, ये सूफी तरीका है। लगभग 40-42 तरीके सूफियों के इस्लाम के अंदर है, जिनमें सुन्नी भी हैं शिया भी हैं और मशहूर आलम है। इस वक्त हमें अपने इल्म से वाकिफ होना चाहिए, इस्माइली मजहब की स्टडी करो, इस्माइली मजहब की किताबें पढ़ो, गैरों की किताबें पढ़ो, उससे पहले लाजिम है कि खुद अपनी किताबें पढ़ो ताकि दूसरों की किताबें पढ़ के हमारे दिल में शक पैदा न होना चाहिए। इसलिए इस्माइली मजहब की किताबें पढ़ो, हज़रत इमाम के फरमान पढ़ो, उस फरमान के अंदर रूह की और दिलो दिमाग के लिए हिदायत मौजूद है। यह फरमान मौला फरमाया कि खुदा ताला जो है ना उसके लिए अगर तुम सोचते हो तो उसकी कुव्वत बहुत है, खुदा बहुत बड़ा है, अगर तुम ये सोचते हो तो ये सारा ब्रह्मांड जिसको हम कायनात कहते हैं वो खुदा ताला उससे भी बड़ा है, अगर तुम सोचो तो इस तरह की 2000 कायनात के लिए सोचो तो भी खुदा बहुत बड़ा है। खुदा की अजमत और बड़ाई का जिक्र हमारे इमामों के फरमान में मौजूद है। फिर मौलाना हज़रत इमाम फरमाते हैं कि इंसान इस दुनिया के अंदर थोड़े टाइम के लिए आया है और इज्जत से जब गुजर जाएगा तो मौत के बाद जो जिंदगी है वो हमेशा की दायमी है, वो जिंदगी है वो जावेद जिंदगी है, कभी खत्म ना होने वाली। तो मौला फरमाते हैं उसकी तैयारी अभी से करो। इमाम फरमाया अपनी रूह को तकवियत दो, इस तरह से दुनिया में रहो कि जब गुजर जाओ तो आपके लिए वहाँ रास्ता बिल्कुल क्लीन साफ और आराम का हो। अल्लाह ताला ने फरमाया जब मेरे बंदे गुजर जाते हैं तो मौत के वक्त मैं उनके पास खूबसूरत फरिश्ते भेजता हूँ। मोमन जब भी गुजरता है तो खुदा कुरान में कहता है कि उसके पास जो मौत के फरिश्ते आएंगे वो खूबसूरत होंगे कि उनको देख के मोमन खुश हो जाएगा, लेकिन जो काफर हैं अल्लाह फरमाता है उसके पास मैं ऐसे फरिश्ते भेजूंगा कि उनके भयानक और डरावने चेहरे देख के वो आदमी डर जाएगा, खौफ पैदा होगा। ये कुरान शरीफ की ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं कि जो आम तौर पे हमको बताई नहीं जाती, हम सिर्फ जाहिर की चंद शरीयत की बातों के अंदर पड़ गए हैं और असल भूल गए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जो इस दुनिया में अंधे हैं वो आखिरत में अंधे होंगे। ऐसे तो बहुत से हाफिज हैं, आंखों से माजूर हैं लेकिन इबादत करने वाले हैं, नेक हैं, तो क्या आंखें न होने की वजह से खुदा उनको वहां अंधा रखेगा? ये बात नहीं। यहाँ खुदा का ये इशारा है कि इस दुनिया के अंदर जिसने मेरे नूर की शनाख्त नहीं की वो उस दुनिया के अंदर भी अंधे होंगे, उनको नूर की शनाख्त नहीं मिलेगी। रसूल अकरम फरमाया कि जिसने अपने जमाने के इमाम की शनाख्त नहीं की
وہ اس دنیا کے اندر جاہل کی موت مرے گا اور جاہل دوزخ میں جائے گا. الحمدللہ ہمارے اندر حاضر امام ہے, ہم نے اس کی شناخت کی ہے, ہم اس کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. خدا کا یہ کہنا کہ اللہ کی تابع داری کرو, رسول کی تابع داری کرو, اور تمہارے اندر جو اولی الامر ہے اس کی تابع داری کرو. یہ اولی الامر ڈھونڈو تو صحیح, پوچھو لوگوں کو بھائی اولی الامر کدھر ہے. اب اس کے اندر خدا تعالی نے گرامر کے حساب سے صیغہ حاضر کی اس کے اندر الفاظ لکھے ہیں, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پریزنٹ ٹینس. ایسا نہیں کہا کہ کرنا یا تم نے کیا تھا, ماضی اور مستقبل کی بات نہیں ہے اس آیت کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر قرآن شریف قیامت تک کے لیے بالکل سچا ہے تو یہ صیغہ جو حاضر ہے وہ آج بھی موجود ہے. اللہ کی تابع داری کرو, محمد کی تابع داری کرو, اولی الامر کی تابع داری کرو. اللہ تو نظر نہیں آتا, رسول اللہ 1400 برس پہلے گزر گئے, تو اب کیا ہم کو ہمارے لیے ہدایت بند ہو گئی؟ نہیں, اولی الامر کی تابع داری کرو. کہاں ہے اولی الامر آج؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح, کبھی آغا خان کے سوا کوئی اور آدمی ہے کہ جو اولی الامر ہے؟ اور اولی الامر وہ ہونا چاہیے کہ جو رسول اکرم کی اولاد امام حسین سے ہوئے. اولی الامر اس کو ہونا چاہیے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہوئے. اولی الامر اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کی تفسیر سے ہدایت کرے. اولی الامر اس کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت پڑنے پر معجزے بھی کرے. کون ہے ایسا دنیا میں؟ ہمارے پاس وہ اولی الامر موجود ہے. اور اللہ کا یہ کہنا کہ تمہارے اندر منکم, یہ پھر بھی صیغہ حاضر کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہر وقت اینی ٹائم, 2000 برس پہلے بھی, 2000 برس بعد بھی, 500 برس پہلے بھی, 500 برس بعد بھی یہ صیغہ چلا آتا ہے. اور ایک ہم ہی ہیں کہ اولی الامر ہر وقت ہر وقت ہمارے اندر موجود رہا. اور وہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں خدا کے نور کا ہولڈ رام دی ہولڈر آف دی نور. اس کا یہ دعویٰ 1400 برس سے چلا آتا ہے. ہر امام نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری امامت قیامت تک چلے گی. نبی کریم کے بعد آج تک 32 آدمیوں نے امامت کا یا نبوت کا کھوٹا دعویٰ کیا, مٹ گئے. اگر یہ جھوٹ بولتا ہوتا, استغفر اللہ, اگر ہمارے امام سچے نہ ہوتے تو ان کا یہ دعویٰ 1400 برس تک جھوٹا دعویٰ چلتا رہا, آج تک چل رہا ہے. جھوٹ 1 برس چلے, 10 برس چلے, 100 برس چلے, 1400 برس سے جھوٹ چل سکتا ہے؟ یہ سچا ہے اور اس کے بغیر اور کوئی نہیں. یہ وہی ہے کہ جو نبی کریم کے زمانے کے اندر حسین کو کہتے تھے انا من الحسین, حسین منی, میں حسین میں سے ہوں, حسین میرے میں سے ہے. یعنی یہ کہنا کہ میں حسین میں سے ہوں وہ نور کی بات ہے, کہ حسین کا نور صرف حسین کے وقت ہی نہیں تھا, اس کے پہلے بھی تھا. نور ہر وقت رہا ہے, ہر وقت رہے گا. نبی کریم سجدے میں گئے, نماز پڑھا رہے تھے. میں آپ کو ایک ایسی بات سنا رہا ہوں کہ آپ سمجھو گے تو خوش ہو جاؤ گے, اور اس میں سمجھ بھی بہت گہری ہے. مسجد میں نبی کریم نماز پڑھا رہے ہیں مدینے میں. جب ہی دوسری رکعت کا پہلا سجدہ آیا, یعنی ایک سجدہ اور باقی ہے, حضرت امام حسین تقریباً 3 برس کے تھے, اور نبی کریم کی مسجد, میں آپ کو کہہ دوں, سمجھ سکو آپ تو بالکل اسی جماعت خانے کی طرح سمجھ لو, اس طرف قبلہ تھا, اور انٹر ہو تو رائٹ سائڈ کے اوپر نبی کریم کے خود کے مکان تھے, اور اندر سے دروازہ نکلتا تھا, اور یہ طرف اصحابوں کے مکان تھے. تو حضرت امام حسین 3 برس کے تھے, نانی کے گھر سے, بی بی عائشہ کے حجرے سے لڑکھٹاتے لڑکھڑاتے ادھر چلے آئے, اور دیکھا کہ نانا جان سجدہ میں ہیں, تو ایک پاؤں اس طرف ایک پاؤں اس طرف, جس طرح گھوڑے پہ بیٹھتی ہیں, امام حسین نبی کی گردن پہ چڑھ بیٹھے. اور نبی کریم نے پگڑی باندھی ہوئی تھی, لیکن آپ کے بال بہت لمبے تھے, تو دو ہاتھوں سے اپنے نانا کے بال پکڑے.
और उन्होंने यही अपने मन में सोचा हो, जैसे घोड़े पे बैठा हूँ। मगर नाना का प्यार उनको पता था। नबी साहब जब ये ऊपर आके बैठे तो सर उठाने वाले थे कि वही नाजिल हुई। ऐ मोहम्मद, जब तक हुसैन नहीं उठे सर मत उठाना। अभी सजदे के अंदर जो दुआ थी वो तो पूरी हो गई, अब क्या करें? हुक्म खुदा का ये है कि जब तक हुसैन नहीं उठे सर मत उठाना। नबी करीम का सजदा जारी रहा, जारी रहा, जारी रहा। बहुत लंबा सजदा हुआ, कुछ लोगों ने सर उठा के ये देखा कि क्या बात है, नबी करीम इतना लंबा सजदा। देखा तो इमाम हुसैन कंधे पे बैठे हैं। खुद हजरत उमर लिखते हैं कि मेरे को शक हुआ कि नबी सजदे में गुजर गए, इतना लंबा सजदा हुआ। बस लोग भी ऐसा देखें फिर सजदे में चले जाएं, ऐसा देखें फिर सजदे में चले जाएं। बहुत देर के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद उतरे, नाना ने उनको गोद में लिया, खड़े हुए और फिर वापस नीचे जमीन पे रख के सजदे में चले गए। सजदा पूरा किया, फिर इमाम हुसैन को उठा लिया। अब यहाँ एक सवाल आता है, जो समझने की चीज है दीनदारों, तो वो ये है, नबी करीम ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते सजदा किया, वो सजदा खुदा के लिए था कि जो बड़ी मुश्किल से 10-15 सेकंड का होगा। अब जो इमाम हुसैन ऊपर आके बैठ गए गर्दन पे, तो ये सजदा तो खुदा को नहीं था, ये तो हुसैन को सजदा था। खुदा का सजदा 15 सेकंड का, हुसैन का सजदा ना मालूम 5 मिनट हुए कि 10 हुए। अगर इमाम की ये ताकत है तो आप समझ सकते हैं कि इमाम कौन है। वो इलाही नूर है, वो पंचतन का नूर है, वो अली नबी का नूर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही की औलाद ये चली आती है। हम इस माली निहायत ही खुश नसीब हैं कि असल चीज हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह और नबी और इमाम, हम इनकी ताबेदारी में हैं, क्योंकि इमाम की ताबेदारी नबी की ताबेदारी है और नबी की ताबेदारी अल्लाह की ताबेदारी है। मौलाली के लिए फरमाया कि अली की आंखें खुदा की आंखें हैं, ऐनुल्लाह। अली के हाथ को यदुल्ला कहा, खुदा का हाथ कहा। अली की तलवार को खुदा की तलवार कहा। अली की जबान को खुदा की जबान कहा। अली के चेहरे को खुदा का चेहरा कहा। नहीं पता लगता कि नबी क्या कहना चाहते हैं इशारों इशारों में। नबी फरमाते हैं अली के चेहरे पे नजर करना इबादत है। हम अपने हजर इमाम को जब देखते हैं, वल्ला वह इबादत है। हजर इमाम का दीदार हमारे लिए इबादत है। हजर इमाम की ताबेदारी खुदा रसूल की ताबेदारी है। हम सच्चे इस्लाम के ऊपर हैं। गैरों की बातें सुन के अपने दिल के ईमान को डाना डोल न करना, अपने तरीके पर मुस्तकीम रहो, हजर इमाम की फरमान बरदारी में रहो। दीन और दुनिया में हाथ पकड़ने वाला है। मैं एक बात कह के अपना ये खुतबा यही मैं अपनी आवाज बंद करता हूँ। कराची से 15 मील पे मलीर है, यहाँ हमारी मोहम्मदी अकेडमी है। रेलवे लाइन नजदीक से निकलती है, इसमें तकरीबन 450-450 बच्चे हमारे हैं। कुछ बरस पहले पानी की तंगी बहुत थी। मोहम्मदी अकेडमी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, उन्होंने सोचा कि यहाँ एक कुआं है, हम कुएं में से पानी हासिल करें। कुएं को खोला गया, साफ कराया गया और फिर ये पानी जरा गदला था, गदला यानी क्लियर नहीं था। गवर्नमेंट केमिस्ट में भेजा गया कि इसको साफ करने की कोई केमिकल चीज होवे, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये पानी इतना खराब है कि इंसान तो ठीक, जानवरों के लिए भी पीने के लायक नहीं। बंद कर दो कुआं। कुआं बंद कर दिया। पानी की तंगी बढ़ती गई। कुछ थोड़े महीनों के बाद उनका खुद का जो प्रेसिडेंट था एकेडमी का, उसको यूरोप जाना हुआ। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना चलो
हजर इमाम के पास अर्ज करें कि खुदावंद हमको ये पानी की तंगी, इस तरह ये पानी इतना खराब है। बात पसंद की गई, एक बोतल के अंदर पानी लिया गया, कुछ मेहमानी लेके उधर गए, मौला के हुजूर में पहुंचे और मौला के पास मेहमानी रखी, एकेडमी की रिपोर्ट दी। बाद में प्रेसिडेंट ने कहा, खुदावंद हमारी एक प्रॉब्लम है। क्या है? कि हमको पानी की बड़ी तंगी है और दूर दूर तक पानी नहीं, जो पानी आता है वो हमें बहुत कॉस्टली होता है। तो वहाँ एक कुआ है, इस कुएं के अंदर पानी जरूर है लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी नहीं, एनिमल कंजम्पशन के लिए भी नहीं। तो साहब उसको पूछते हैं, फिर मैं क्या करूं? तो साहब कहते हैं, मैं क्या करूं? तो उसने कहा, खुदावंद आप ये पानी को अपनी रूहानी ताकत से साफ कर दो। तो साहब उसको कहते हैं, डू यू थिंक आई कैन डू इट? यानी क्या तू ये मानता है कि मैं ये कर सकता हूं? देखो उसका ईमान, कहते हाँ खुदावंद हम ये मानते हैं कि आप में ये ताकत है। शाबाश पड़े, अच्छा इसको रहने दो, कल आना। टेबल पर रख दिया, मेहमानी भी पड़ी थी। अब मेहमानी में सूखा मेवा भी था, थोड़ी टॉफी थी, चॉकलेट थी, और आपको मालूम है ये खड़ी साकर थे ना मिस्री, इतना बड़ा उसका डला था मिस्री। और मिस्री वो चीज है कि आप जब तक इसको कूट कूट के पाउडर नहीं बनाओ, ये दूध के पानी में के चाय वगैरह में मिक्स नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है, ये हार्ड है। इतना बड़ा बॉल पड़ा था। दूसरे दिन आया प्रेसिडेंट, मौला ने प्याला मंगाया और अपने हाथ से बोतल उठा के खोली, प्याले में बोतल डाली। क्या किया मौला ने पता है? वो मिस्री का इतना बड़ा बॉल जो था, तकरीबन आधा किलो जितना था, वो उठा के पानी में डाला। साहब इसको देखते रहे। प्रेसिडेंट सुमार मुझको कहते हैं, मिशनरी साहब आप माने ना मानो, गर्म पानी में जिस तरह बर्फ पिघलती है, ये मिस्री इस तरह पिघल गई विद इन 9 मिनट। और मैं हैरान कि मिस्री तोड़ तोड़ के पाउडर बनाओ मुश्किल से वो उसमें हल हो गए, ये इस तरह गल गई कि जैसे गर्म पानी में बर्फ गल जाती है, यहां तक कि बिल्कुल नाबूद हो गई। माँ बाप ने फूंक मारी और उसको कहा कि देख, तुम ये पानी ले जाओ, तुम खुद पर्सनली कुएं के अंदर उतरना, 58 के 56 बरस का आदमी। बाबा फरमाया, तुम खुद नीचे उतरना और नीचे जाके पानी के नजदीक पहुंच के मुझे याद करके ये पानी डालना, फिर कुएं को साफ करना। खुश खुश वापस आया, इनको बात बताई। कुछ यंगस्टर्स ने कहा कि नहीं, आप ये इस उम्र में नीचे उतरोगे, खुदा न खास्ता पांव फिसल जा रहे। तो बोला, नहीं, मेरे को हुक्म किया कि मैं खुद नीचे उतरूं। अच्छा इंतजाम करके इसको उतारा, मौला को याद करके ये पानी डाला। और बाद में मौला ने फरमाया था साफ करना। आज सारी एकेडमी वो पानी पीती है, गैर लोग भी पीते हैं। और जब ये पानी का सैंपल केमिस्ट में भेजा गया, गवर्नमेंट केमिस्ट ने, तो उसने कहा कि ये इर्द गिर्द में बेस्ट पानी है। इमाम की नजर पड़ जाए तो खाक कीमिया बन जाए। तुर्की कहता है कि ये शान है इमाम की, कहा है रसूल पाक के लिए। 1935 में डॉक्टर इकबाल ने सुल्तान मोहम्मद शाह की तरफ हाथ करके ये शेर पढ़ा था, आरा के खाकरा बनजर कीमिया कुनन, सगरा वली कुनंद मगसरा हुमा कुनन। 40,000 मुसलमानों को कहता है कि ये वो हस्ती है कि अगर मिट्टी पे निगाह करें तो मिट्टी कीमिया बन जाए, और कुत्ते को देखें तो वली बना देवें, और मक्खी को चाहें तो हुमा बना देवें। यह है इमाम की ताकत। वो इमाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बैठा है। दिन दुनिया का यह बादशाह, अल्लाह का नूर, रसूलुल्लाह का नवासा, हमारी आसरे की, हमारी हिफाजत की, हमारी भलाई की, हमारी तरक्की की बातें इसकी हिदायत में मिलती हैं। दिनों दुनिया में उसके छतर के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह गैरों के सामने हमारी हालत ज्यादा अच्छी है। सुखी आबाद रहो, अज़र इमाम की फरमान बरदारी में रहो। मौला दिनों दुनिया की बरकतें दे रहे, भलाइयां दे रहे, नेक तौफीक दे रहे,
सुख देवे, आबादी देवे, मौला बख्शिश देवे। दसवन सुकृत में पूरा रखे, दिनों जमात के दुश्मन नाबूद करे। मौला आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे, सतर छाया में रखे, बलाएं आफतें दूर करे, मुश्किलें मुसीबतें हल करे, नेक दुआएं कबूल करे, जान माल में अल औलाद में बरकत दे, रोजी कमानी तंदुरुस्ती।